हमीरपुर में एक नेत्रहीन छात्र के साथ बस के चालक द्वारा अभद्र भाषा और दुर्व्यवहार करने का मामला सामने आया है। छात्र और परिजनों ने हिमाचल पथ परिवहन मंडलीय कार्यालय में बस चालक के खिलाफ शिकायत पत्र सौंपा और बस चालक पर कार्रवाई करने की मांग की है। डीएम हमीरपुर के छुट्टी पर होने के कारण शिकायत पत्र आरएम हमीरपुर को सौंपा गया। हमीरपुर से दिल्ली गुड़गांव जाने वाली सरकारी बस में बस चालक ने छात्र के साथ बस सलूकी और अभद्र भाषा के प्रयोग करने पर छात्र और उसके परिजनों ने हिमाचल पथ परिवहन मंडलीय कार्यालय में शिकायत दर्ज की है। छात्र राहुल शर्मा ने बताया कि बस से उतरने लगा तो एकदम ही चालक ने हड़बड़ाहट में बस चला दी। छात्र को परिचालक ने छलांग लगाकर बाहर की ओर खींचा। छात्र बस के पहिए के नीचे आते आते बचा। ऐसे में छात्र ने बस धीरे करने को चालक को कहा तो बस चालक गाली गलौज करने लगा और कहने लगा कि ऐसे लोगों को बस में बिठाना ही नहीं चाहिए। साथ ही धमकी भी दी कि किसी से भी शिकायत कर दो, मैं किसी से नहीं डरता। छात्र ने बताया कि उसे सरकारी बस में आने जाने की मुफ्त सुविधा प्रदान है, ऐसे में प्राइवेट बस में आने पर उसे इस सुविधा का लाभ नहीं मिल पाएगा। अब छात्र और उसके परिजनों ने बस चालक के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग उठाई है। गुड़गांव बस में सफर कर रहा था जो यहाँ से 4:40 पे निकलती है, करीब 5:30 बजे ये बस पहुंची गलोड पेट्रोल पंप पे। तो जो बस का कंडक्टर है वो मेरी हेल्प करने लगा उतरने में, उसने बस को रोकने के लिए विसल बजाई, पर उसने बस को चलने के लिए विसल अभी तक नहीं बजाई थी, पर उससे पहले ही बस का जो ड्राइवर था उसने बस बहुत तेज रफ्तार में चला दी और इस वजह से मैं बस से एकदम नीचे गिर गया। पर ये तो शुक्र है उस कंडक्टर का कि उसने जल्दी से छलांग लगा के मुझे दूसरी तरफ खींच लिया, नहीं तो मैं तो बस के टायर के नीचे आ जाता। उसके बाद बात ये हुई कि उस कंडक्टर ने उस ड्राइवर की गलती के लिए हमसे माफ़ी मांगी और उसने मेरे को खड़ा किया और वहाँ पे मौजूद जो लोग थे उन्होंने मेरे को मतलब खड़ा किया और वो मेरे को घर ले जाने लगे। मैं स्कूटी पे बैठ चुका था और उसके बाद वो ड्राइवर बस मोड़ के आया और उसने इतनी अभद्र भाषा का यूज़ किया और ऐसी ऐसी माँ बहन की गालियाँ दी मुझे और कहता कि ऐसे अंधे लंगड़ों के लिए बोला मेरी बस में कोई जगह नहीं है और ऐसे अंधे लंगड़े बंदे अगर मेरी बस में चढ़ेंगे तो बोला मैं धक्के मार के उतार दूंगा। तो खबरदार बोला दोबारा से बस में चढ़ा, मैं अपने बोला बाकी डिपार्टमेंट वालों को भी बोल दूंगा कि खबरदार इसको और इस जैसे लोगों को बोला बस में चढ़ाया आज के बाद और मैं चढ़ने नहीं दूंगा। और जब उसको समझाने की कोशिश की गई बोला कि हैंडीकैप है तो बोलता कि हैं तो बोला अपने लिए होंगे, मेरे लिए क्या है, बोला बखेरे आते हैं बोला बस के नीचे। और जब बस चली तो चलते चलते भी उस बंदे ने ऐसा कहा कि बोलता मेरा जो उखाड़ना होगा उखाड़ लेना, मैं किसी से नहीं डरता हूँ, जहाँ मर्जी शिकायत करनी है कर लूँ। राहुल के पिता ने बताया कि उन्होंने इस मामले की ग्लोड पुलिस चौकी में भी शिकायत दर्ज करवा दी है। अब डीएम के पास शिकायत की गई है ताकि बस चालक के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जा सके। गौरतलब है कि आए दिन बस चालकों द्वारा सवारियों के साथ अभद्र व्यवहार करने के मामले सामने आते हैं, लेकिन विभाग भी ऐसे चालकों और परिचालकों पर नकेल कसने में असफल है, जिस कारण आए दिन हादसे पेश आते हैं। हमीरपुर से जो बस जाती है 4:30 और 5:30 लगभग ग्लोड में पहुंची पेट्रोल पंप पर। इसका रूट है दिल्ली ना हमीरपुर से दिल्ली गुड़गांव। उसमें जब बस कंडक्टर ने पेट्रोल पंप के पास सवारियां उतारने के लिए सीटी बजाई तो वो मेरे बेटे को उतार रहा था अपने हाथ से कंडक्टर, लेकिन ड्राइवर ने उस बिना सीटी बजे ही गाड़ी चला दी और मेरा बेटा नीचे गिर गया। फिर कंडक्टर ने छलांग लगाई और मेरे बच्चे को पिछले टायर के नीचे आने से बचाया और उसका मैं बहुत आभारी हूँ कंडक्टर का। लेकिन ड्राइवर ने गाड़ी मोड़ के मेरे बच्चे के साथ बहुत अभद्र व्यवहार किया, उसने किया कि ऐसे अंधे लंगड़े दूधे बच्चों को मेरी बस में कोई जगह नहीं है और मैं औरों को भी कह दूंगा कि मेरी HRTC वालों को कि इस बच्चे को ऐसे बच्चों को बस में ना बिठाया जाए। और उसने कहा जब दो चार बंदों ने उसको घेर लिया और बच्चे थे जो स्कूल में जो राहुल के साथ पढ़ते हैं तो उन्होंने जब उसको घेरा तो उसने चुप हो गया थोड़ी देर के लिए और जाते जाते बोलने लगा मेरा जो उखाड़ना होगा उखाड़ लेना, मैं किसी से डरता नहीं हूँ।